हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, अब मैं इनका नाप बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चार पीस हैं जो 5.5 इंच के हैं, 5.5 इंच की लंबाई, 5.5 इंच की चौड़ाई। तो ये 5 इंच का, 5.5 इंच का पीस है फ्रेंड्स। तो मेरे चार पीस हैं, ये भी सेम, ये मेरे चार पीस हैं जो 5.5 इंच के, 5.5 इंच के हैं। तो ये मेरे चार पीस है फ्रेंड्स। ये मेरे चार पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, ये भी मेरे चार पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं। ये मेरे चार पीस हैं जो 2.5-2.5 इंच के हैं। ये मेरे 5 पीस हैं जो 2.5-2.5 इंच के हैं। ये मेरे चार पीस हैं जो 5-5 इंच के हैं। ये पटिया फ्रेंड्स, मैं लास्ट में जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जोड़ के दिखाऊंगी। डिज़ाइन के हिसाब से ही इनको मैं कट करूंगी। तो मैं आपको पहले डिज़ाइन सेट करके बताती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको सिलना बताऊंगी। तो ये हमारे पीस जो 5-5 इंच के, इसको हम रखते हैं साइड में क्योंकि इसका इस्तेमाल लास्ट में है। तो हम ये ले लेते हैं फ्रेंड्स पहले। ये हम चार पीस बिछा लेते हैं अपने, और फिर क्या करेंगे फ्रेंड, फिर जो ये 5-5, 5.5 इंच के पीस है, हम इसको इस पर रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस पर रख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे हो गए हैं। अब इनको क्या करेंगे फ्रेंड, इनको स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में से सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाइन लग गई है इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें इन पीसों पे भी लाइन लगा लेनी है। और ये फ्रेंड्स, तो हम इनको सिलेंगे। तो इनको साइड में रख लेते हैं फ्रेंड्स। अब इन पीस को लेंगे, ये हमारे 4-4 इंच, 3-3 इंच के चार पीस हैं। तो अब हम इनको रखेंगे। इनको भी फ्रेंड्स हम ऐसे ही बीच में स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और फिर हम इसको सिलेंगे। तो मैं इसको भी लाइन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने ऐसे ही इसको भी लाइन लगा ली है। ये हमें बाद में 2.5 इंच का तैयार पीस चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन लगा ली है, इसको भी साइड साइड में सिलेंगे, बीच की लाइन छोड़ देंगे। तो मैं इन सारे पीस को सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस सारे सिल लिए हैं। ये डबल शेड के पीस सिल लिए हैं। अब क्या करें फ्रेंड, अब कट करेंगे। तो मैं आपको एक ये पीस कट करके दिखा रही हूँ। हमें बीच की लाइन से ही कट करना है फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरे डबल शेड का पीस तैयार हो गया है। ऐसे ही हम इनको कट कर लेंगे और ऐसे ही हम इसको कट करेंगे फ्रेंड। तो मैं ये पीस भी आपको काट के दिखा देती हूँ। तो ये भी हमें बीच में से, बीच की लाइन से ही कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कट गया है। देखिए, ये भी डबल शेड का तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इनको हम 2.5 इंच नापेंगे और इनको हम 5 इंच नापेंगे। तो ये पीस हमारा पूरा 5 इंच आना चाहिए और ये हमारे पूरे 2.5 इंच। तो मैं इनको कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस कट हो गए हैं, ये भी कट हो गए हैं, मेरे 2.5 इंच के तैयार हो गए हैं, ये मेरे 5 इंच के तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों को रखेंगे साइड में और अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इनका डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम उनको 4-4 पीस करके सिलेंगे। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड, पहले इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, जब ये हमारे दोनों पीस सिल जाएंगे तब हम इसके ऊपर पलटेंगे। तो हम इस तरीके से पलटेंगे और जॉइंट से जॉइंट को मिला के ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो मैं ये पीस आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस सिल गया है। ऐसे ही अब हमें इनको सिलना है। तो मैं ऐसे ही इनको सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इन पीस को लेंगे और हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हमें एडजस्ट कर देना है, यहाँ वाइट आ जाएगा। तो हमें ऐसे ही हमें 4-4 पीस लगा लेने हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने इसको भी यहाँ पे लगा लिया है। ये हमें इस तरीके के पीस लगाने हैं फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इन 4-4 पीस को लेंगे इस तरीके से। तो क्या करेंगे पहले फ्रेंड्स, पहले हम इसको इसके ऊपर सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। फिर हम इसको भी ऐसे ही सिलेंगे, यहाँ से और पलट देंगे। फिर जब हमारा सिल जाए फ्रेंड्स, तो हम इसको पलटेंगे।
जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे और सिलेंगे। तो पहले मैं आपको ये पीस सिल के दिखा देती हूँ, फिर आपको बाकी के सिल के दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस सिल गया है। तो ऐसे ही हमें बाकी के पीस सिलने हैं, तो मैं बाकी के भी पीस सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे चारों पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा अलग करेंगे। अब हमें बीच में क्या करना है, हमें बीच में ये पीस लेना है। और ये जो हमारी पट्टियाँ थी, जो मैंने आपसे कहा था हम बाद में इसको जॉइंट करेंगे, तो हमें इस पीस के अनुसार ये पट्टी कट कर लेनी है। तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। ये पीस हमारा 9 इंच तैयार हुआ है, तो हमें 9.5 इंच पट्टी काट लेनी है। ये पट्टी हमारी 2.5 इंच है चौड़ाई इसकी, और लंबाई हमारी इसकी हम 9.5 इंच ले लेंगे। तो ऐसे ही हमें 4 पट्टी चाहिएंगे फ्रेंड्स, तो हम 4 पट्टियों को कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 पट्टी कट कर ली है, जो 9.5 इंच की है और 2.5 इंच की इनकी चौड़ाई है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे रख देंगे। तो देखिए हमने ऐसे रख दिया। अब क्या करेंगे हम, ये 2 पीस है जो हम इसको यहाँ से सिलेंगे। इस पट्टी को आपको शायद फ्रेंड्स दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा डिजाइन थोड़ा कैमरे में आ नहीं पा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस पट्टी को यहाँ सिलना है, फिर पलट देना है, फिर हमें इस पीस को इसके ऊपर रख कर सिलना है। तो हमें यहाँ से सिलाई करनी है और पलट देना है। तो इन 2 पीसों के साथ हमें ये पीस जॉइंट करना है, और ऐसे ही हमें ऊपर वाले पीस के साथ ये वाइट वाला जॉइंट करना है। इसको हम बाद में जॉइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पट्टी जुड़ गई है। देखिए ऐसे ही हमें ये ऊपर वाली जोड़नी है। ये देखिए, ये पट्टी है जो हम इसको ऐसे रखेंगे, सिलेंगे, पलट देंगे, फिर हम इस पीस को भी ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, पलटेंगे, सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का हिस्सा भी सिल गया है और यहाँ का भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इस पट्टी को लेंगे, यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। इसको भी फ्रेंड्स हम ऐसे करेंगे, यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। तो ये कपड़ा हमें इसके बीच में जॉइंट करना है। तो पहले मैं इसको जॉइंट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ से ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा रहा है, इसको हम थोड़ा कट कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से जॉइंट को मिलाएंगे, इस जॉइंट से इस जॉइंट को बिल्कुल परफेक्ट शेप में मिलाएंगे। तो हम यहाँ पिन अप कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पिन लगा ली है। आप क्या करेंगे, ये पिन बिल्कुल लाइन पे लगाई है, तो आप भी लाइन पे लगाइएगा, बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट को मिला के बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। फिर जब हम इसको यहाँ पर जब ये सिल जाएगी फ्रेंड, तब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से जॉइंट्स को जॉइंट्स पे बिल्कुल मिलाएंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय।